corruption, infrastructure, health, gender, environment, development, conflict, caste, art and culture, education, corruption, development, health, infrastructure, caste, art, gender, corruption. मैं अमित कुमार, हरियाणा राज्य के कुरुक्षेत्र जिले के सलेमपुर गांव से, जहां पर एक अध्यापक द्वारा एक दलित बच्चे अमन को 100 के करीब डंडे लगाए गए। इस घटना से अमन को कुछ घंटों के लिए हॉस्पिटल में भी रहना पड़ा। ये कोई हरियाणा में पहली घटना नहीं है, इससे पहले भी हरियाणा में ऐसी बहुत सी घटनाएं हो चुकी हैं। मेरे साथ भी स्कूल टाइम में ये घटना दोहराई जा चुकी है। इस घटना ने मेरी आपबीती को फिर से तरोताजा कर दिया है। स्कूल एक मंदिर है जहाँ पर समानता का पाठ पढ़ाया जाता है, पर अगर वहीं पर असमानता का व्यवहार हो तो समाज के अंदर जो समानता की कल्पना कर रहे हैं वो कैसे हासिल होगी? टीचर ने अमन को इस कदर क्यों मारा है? वो थोड़ी गलतफहमी होगी, क्लास में बच्चे कम थे, मास्टर जी जो पाठ सुन रहे थे वो बार बार एक ही बच्चे पर लग गया था और वो प्यार में ही मार रहा था। वैसे वो कुदरती इंसान वैसे बन गए, कई बार बच्चे को शरीर ऐसे हो, उसके बाद असर ही हो रहा है। अभी यहाँ पर टीचर नहीं आना चाह रहा। क्यों? टीचर में बहकम हो रहा है क्योंकि गांव वाले ने अगर मास्टर की पिटाई भी करी थी उस दिन। पहले तो तीन चार बच्चों ने बोल लिया था, अले फिर उन पर तो ठीक नहीं उठ गया, अले फिर काले की छोकरी आई थी, अले फिर उसका तो तीन चार मारे थे मास्टर ने, उसका भी कैच कैच के मारे थे पिंडियों पिंडियों पर, और फिर मेरी बारी आई लास्ट में, फिर मेरा मारी। यही वो स्कूल है जहाँ पर टीचर ने अमन को इस कदर बेरहमी से पीटा कि किसी भी अन्य टीचर ने उसको छुड़वाने की कोशिश तक नहीं की, बल्कि दूसरी तरफ खड़े तमाशा देखते रहे। दलित समाज सबसे पिछड़ा तबका है और शिक्षा ही ऐसा माध्यम है जिससे इस तबके को ऊपर उठा सकते हैं, पर अगर शिक्षण व्यवस्था में ही ऐसी घटनाएं घटती हैं तो इस पिछड़े तबके को आगे बढ़ने के मार्ग को रोक देती है। इस हादसे से दूसरे बच्चों पर क्या असर पड़ेगा? ऐसा नहीं, बच्चे ठीक ठाक, अब कोई ऐसी बात नहीं है, प्यार से पढ़ रहे हैं सारे, किसी में कोई बैग कोई ऐसी बात नहीं। आए दिन स्कूलों में बढ़ते अत्याचारों को देखते हुए गवर्नमेंट ने कानून तो बेशक बना दिए हैं, लेकिन दलित बच्चों पर अत्याचार आज भी बढ़ते जा रहे हैं। इन्हीं घटनाओं को देखते हुए बच्चे आत्महत्या तक कर लेते हैं। अगर अध्यापक बच्चों को ऐसी पीटते हुए मारते रहे तो वो दिन दूर नहीं जब बच्चे स्कूल के नाम से भी डरने लगेंगे। इन्हीं घटनाओं को देखते हुए अध्यापकों पर और कड़े कानून बनाए जाने चाहिए और उनको अनदेखा करते हुए अध्यापकों को सजा भी मिलनी चाहिए जिससे बच्चों का भविष्य बच सके। मैं अमित कुमार, जिला कुरुक्षेत्र के सलेमपुर गांव से, इंडिया अनहर्ड के लिए।